ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अरे भाई रुक जा दो मिनट यार, रुक जा यार दो मिनट, मैं बिजी हूँ अभी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूँ अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ कर्नाटक राज्य की, जहाँ हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ है और दोस्तों जो परिणाम आए हैं, जो नतीजे आए वो आपके सामने रख रहे हैं। दोस्तों कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी ने, यानी कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने बहुमत से जीत की है, प्रचंड जीत की है। वहां पर कांग्रेस का परचम लहरा है पूरे तरीके से। जीत कोई कांटे टक्कर की नहीं थी, बल्कि कांग्रेस की एक तरफा जीत हुई है दोस्तों। कोई लीड नहीं, कोई मुकाबला नहीं, पूरे के पूरे भाजपाइयों ने डेरा डाल दिया कर्नाटक के अंदर। लेकिन फिर भी भाजपा इतनी बुरी तरीके से क्यों हार गई, तो ये एक बड़ा सवाल है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कांग्रेस की जो प्रचंड जीत हुई है, इसमें कौन सा कार्ड चला है कि बजरंग दल और बजरंग बली का मुद्दा सामने रखा गया। इस मोदी अपना कार्ड बजरंग दल को लेकर खेल रहा था, तो वहीं कांग्रेस पार्टी बजरंग दल की टक्कर में बजरंग बली को लेकर के आ चुकी थी। लेकिन दोस्तों नेशनल जो टीवी चैनल है, या फिर यूं कहें कि गोदी मीडिया जो दिखा रहा था, वो बजरंग दल और बजरंग बली का नाम ले रहा था। लेकिन हकीकत और सच्चाई आपको मैं बता रहा हूं, हकीकत में आप लोग विश्वास करना, जो कार्ड है वो कोई और ही था। कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। बजरंग दल और बजरंग बली जो है जनता के सामने परोसा गया था, लेकिन हकीकत में कुछ और था। चलिए दोस्तों वो और क्या था वो आपको दिखा देते हैं। यदि आप भूल चुके हैं मुस्कान नाम की एक लड़की को, हिजाब मामले को, तो मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखा रहा हूँ। पहले आप इस क्लिप को देख लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो दोस्तों आपने देखा और सुना, कॉलेज के अंदर स्कूल को लेकर के एक मुस्लिम लड़की आती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भगवा दारियों का झुंड आता है और जो भगवा रंग का दुपट्टा लेकर के लहराते हुए आते हैं और चारों तरफ से उस लड़की को घेर लेते हैं और जबरन जय श्री राम का नारा लगाते हैं। दोस्तों जब मुस्कान नाम की उस छात्रा ने अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की थी, तो ये सदा लोगों के दिलों में धस्ती चली गई थी, यानी पूरी दुनिया के अंदर इस लड़की का यह नारा गूंजने लगा। कर्नाटक के जो मुसलमान हैं, जो 15-20% हैं, वो पूरे तरीके से ठान चुके थे कि इस बार भाजपा को हराना है और भाजपा को वोट ना दे करके कांग्रेस पार्टी को वोट देना है। इसके साथ साथ दोस्तों एक और छोटा सा कार्ड खेला गया कि जो वहां के ईसाई हैं, जो ईसाई बहुमत है, वो भी पूरे तरीके से भाजपा के खिलाफ रही, वो भी कांग्रेस को चले गए। यानी मुस्लिम और ईसाई जो वोट थे वो पूरे के पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए डाले गए हैं। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने जो बजरंग दल को बैन करने के लिए कहा था, इससे मुस्लिम वोट जो है एक तरफा चले गई और इस कांग्रेस पार्टी का जो बजरंग बली का नारा था वो भी पूरे तरीके से सफल रहा। और 36 बिरादरी में जितने भी हिंदू मतदाता आते हैं, जो दलित भाई होते हैं, सिख भाई होते हैं और जो हिंदू भाई होते हैं, उन्होंने भी बढ़ चढ़ करके कांग्रेस पार्टी के लिए अपना मतदान किया, अपना वोट दिया है। इसके अलावा दोस्तों भाजपा रह जाती है, भाजपा का नारा था बजरंग दल, तो दोस्तों भाजपा का बजरंग दल वाला जो कार्ड था वो पूरे तरीके से फैल रहा। और दोस्तों इस बार कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी ऐतिहासिक जीत हासिल की है जिससे ये पूरे तरीके से साबित हो चुका है कि जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर के कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जी निकले थे, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। यानी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। लेकिन दोस्तों ये पूरे तरीके से साफ हो चुका है कि भारत जोड़ो यात्रा से भारत की जनता, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई से भी जात धर्म के लोग हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, लेकिन सभी जो है एक भारत में विश्वास रखते हैं। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड जीत की, बहुमत के साथ जीत हासिल की कर्नाटक में, और नफरत के बाजार में दुकान नहीं बल्कि पूरा का पूरा शोरूम खुल चुका है। कर्नाटक के अंदर एक दुकान नहीं, नफरत के बाजार में पूरा का पूरा एक शोरूम खुल चुका है। और ये शोरूम जो खुला है इसका जिक्र मैं नहीं बल्कि खुद कांग्रेस के बड़े नेता शायर इमरान प्रताप गडी ने
इसका ऐलान किया है कि उन्होंने नफरत के बाजार में शोरूम खोल दिया है। देखिए राहुल गांधी जी की जो मोहब्बत की दुकान थी उसका शोरूम, बड़ा वाला शोरूम, पहले हिमाचल में दुकान खुली थी, अब कर्नाटक में शोरूम खुला है। नफरत की राजनीति के मुकाबले मोहब्बत जीती है, भाजपा के मुकाबले कांग्रेस जीती है, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जीते हैं, नड्डा जी के मुकाबले खड़गे जी जीते हैं, जबरदस्त जीत हासिल की है। अब कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि भारत की जनता अब समझ चुकी कि मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम का कार्ड अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है और कांग्रेस पार्टी घर वापसी कर सकती है और सेंटर में भी सरकार बना सकती है, ऐसा अब लोगों का मानना है। दोस्तों जो कुछ मैंने बोला है बताया इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कांग्रेस का फैन हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे लिए सारी पार्टियां बराबर हैं, लेकिन जो सच्चाई है उसे तो बयान करना पड़ेगा ना, क्योंकि मोदी जी का तो जो कार्ड होता है वही एंटी मुस्लिम होता है हमेशा, लेकिन ऐसा मोदी जी चलने वाला नहीं है क्योंकि मुस्लिम भी तो इस देश के नागरिक है ना, और मुस्लिम मतदाता जो 20-25% अपनी हैसियत रखते हैं, अगर एकजुट होकर के किसी पार्टी के लिए वोट डाले तो 100% वो पार्टी बहुमत से जीतेगी। तो वही काम हुआ है कर्नाटक में, तो बजरंग दल और बजरंग बली तो महज नारा था, हकीकत में तो कुछ और खेल खेला गया था। इस पार्टी की कितनी सीटें आई हैं तो मैंने स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट लगा रखा, आप उसे देख सकते हैं, तो पूरी डिटेल आपको नजर आ रही है। सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।